अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। शेख, खजूर के दानों पे, गिठलियों पे इस तरह तस्बीहात गिनना, ये कैसा है? तस्बीहात उंगलियों पे गिनना है, कंकरी पे, दानों पे नहीं। कंकरी और दानों पे वो आदमी गिने जो जिसको जो ज़ईफ हो चुका है, कमजोर हो चुका है, उंगलियों पर गिनता है तो भूल जाता है। ऐसी कोई परेशानी है तो किसी भी चीज के दाने पर गिन सकते हैं। वरना असल ये है कि आप तस्बीह उंगलियों पर गिने, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा, औरतों को सिखाते हुए, तालीम देते हुए, कि इक़िदना बिल अनामिल फइन्नहुन्ना मुस्तंतकात, कि उंगलियों पर तस्बीह गिनो क्योंकि ये उंगलियां गवाही देंगी कयामत के दिन। ये उंगलियां गवाही देंगी कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला तेरी तस्बीह बयान की गई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबे कराम का यही तरीका था कि उंगलियों पर तस्बीह गिनते थे। बल्कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का गालबन वाकया है, उन्होंने देखा बाज लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कि बैठ करके कंकरी पर वो जिक्र अज़कार कर रहे हैं, तो सख्त नकीर किया उन्होंने। इसीलिए बहुत सारे उलमा ने बगैर जरूरत के तस्बीह के दानों पर या कंकरी पर या किसी भी ऐसी चीज पर तस्बीह गिनने को बहुत सारे लोगों ने बिदात तक कहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने जवाज की बात की है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बिदात तक कहा है। लेकिन यहां पर कम से कम यह कहा जाएगा कि यह सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका यह है कि आप उंगलियों पर गिने, इल्ला कि आपके पास कोई मजबूरी और परेशानी हो। और एक चीज और एक बात और मैं यहां ऐड करूं शेख अरशद, ये जो तस्बीह बाजारों में जो तस्बीह के दाने बिकते हैं, हकीकत में अगर आप गौर करेंगे तो कई दफा ये दाने जो है, तस्बीह के दाने जो बड़े खूबसूरत खूबसूरत दाने और बहुत कीमती कीमती भी बिकते हैं, ये एक तरह से फितना है। मैंने देखा है फितना इस तरह से है कि बहुत कई सारे लोगों को हम ऐसे देखते हैं, वो तस्बीह के दाने उंगली में लटकाए हुए हैं, बातें कर रहे हैं आपसे और उनकी उंगलियां दानों पर चल रही हैं। भाई क्या बात है, आप मजाक कर रहे हो? अल्लाह ताला के जिक्र के साथ आप मजाक कर रहे हो? आप बात कर रहे हो, आपकी उंगलियां तस्बीह के दानों पर चल रही है, क्या कर रहे हो? ये इबादत है भाई, ये कोई खेल थोड़ी है कि आप कुछ भी करते रहो। बहुत सारे लोग ऐसे ही 24 घंटा तस्बीह उंगली में लटका के घुमाते रहेंगे, लगेगा कि वो कोई फैशन है। इसी तरह से तस्बीह का दाना आप हाथ में लटकाए हुए हैं, गले में लटकाए हुए हैं, बार बार उसको निकाल रहे हैं। भाई इबादत को छुपा करके करना है, दिखाना नहीं है। तो यहां पर तस्बीह का जो लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं, रिया का बहुत ज्यादा दखल है इसमें, या रिया का बहुत ज्यादा इम्कान है रियाकारी का। और ये बात मुशाहद है, तस्बीह का दाना हाथ में देखे, भाई मैंने फला शख्स को देखा, वो तो माशाल्लाह उसके हाथ में तस्बीह थी, अब लोग उसका जिक्र जो है उसकी तस्बीह से कर रहे हैं। जबकि इबादत में आदमी डरता है कि कहीं मैं दिखलावे में, रिया में मुब्तला ना हो जाऊं। आप तस्बीह घुमा करके क्या साबित करना चाहते हैं? इसी तरह बहुत सारे बाबाओं को, बहुत सारे मजारों पर आपने जो तस्बीह देखे होंगे, कई कई किलो के तस्बीह, ये सब क्या है? शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है। इसलिए देखिए, जब कोई बिदात ईजाद होती है तो शुरू में वो बहुत छोटी होती है, धीरे 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 अगर उसमें तसामों से काम लिया जाए, दरगुजर से काम लिया जाए, तो बाद में ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेती है कि लगता है यही ऐन इस्लाम है, यही तस्बीह के साथ हुआ है। शायद इब्तदा में लोगों ने उसके जरिए से मदद लेने के लिए ईजाद किया होगा। अभी देखिए तस्बीह की हालत कहां तक पहुंच चुकी है, उसे फैशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई कई किलो के तस्बीह मैंने देखे हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हाथ की उंगलियों पर तस्बीह और अज़कार गिनना।